हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस वर्ल्ड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेक, ठीक है, जो कि हमारा लेआउट टाइप में है। और ब्रेक में दो प्रकार का ब्रेक होता है, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। तो आइए देखते हैं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक कैसे काम करता है। देखिए, आपने ये कंटेंट लिख लिया है और नेक्स्ट पेज लाना है, ठीक है। तो ब्रेक में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए पेज पहला है, कॉलम दूसरा है, टेक्स्ट रैपिंग तीसरा है। तो पेज का मतलब हो गया कि आप एक नया पेज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर कर्सर आपका आखिरी में है, लिखे हुए कंटेंट के आखिरी में, तब आप पेज ब्रेक से पेज इंसर्ट करेंगे ना, तो आपका नया पेज ब्लैंक रहेगा, ठीक है। पर अगर कर्सर आपका कहीं बीच में है, तो कर्सर के नीचे की जितनी भी चीजें होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? नेक्स्ट पेज में। ध्यान रखिएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में आ गई ना, कर्सर के नीचे जितनी भी चीजें हैं, तो ये क्या होगा, काम बढ़ा देगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपको नेक्स्ट पेज अगर ब्लैंक रखना है, ब्लैंक चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने पूरा काम किया है उसके आखिरी में कर्सर रखेंगे और पेज और ब्रेक्स पे जाके पेज कर देंगे, तो नेक्स्ट पेज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्या कहा है ब्रेक्स में, दूसरा कह रहा है कॉलम। कॉलम क्या करता है, आपका वही काम करता है जो इसमें हुआ था। देखिए ठीक है, कॉलम ब्रेक इसलिए नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे कंटेंट उतना नहीं है, ठीक है। कॉलम ब्रेक क्या काम करता है, कॉलम वाला ही। अब देखिए ब्रेक हो गया है, नेक्स्ट पेज में आ गया है। अब क्लिक करूंगा सेक्शन वन, और इसमें भी सेक्शन वन है, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे कि सेक्शन कैसे चेंज होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम ब्रेक कंटेंट उतना नहीं है, इसलिए कॉलम ब्रेक नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आइए ठीक है, ब्रेक में अगला क्या है, टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग आपका कब काम करता है, जब आप इंसर्ट में रहते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जब आप कभी पिक्चर या शेप कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने शेप इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये शेप यहाँ इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग आपका ये है। अब ये पूछ रहा है कि आपसे टेक्स्ट को किस तरह रैप करना है इस शेप के बगल में। ऐसे कर देंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तो लिखा हुआ बगल बगल आ जाएगा, और जो चित्र है, शेप है आपका, वो बीच में रहेगा। इस पे कर देंगे या इस पे कर देंगे तो लिखा हुआ देखिए पीछे चला गया, शेप आपका ऊपर है, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग आपका यही काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी क्या देख लिया लेआउट में, ब्रेक में क्या देख लिया, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज दिया है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ठीक है, देखिए हेडर सेक्शन वन लिखा है, ठीक है। अब अगर आप पेज ब्रेक करेंगे तब भी वो सेक्शन वन ही रहेगा, पर आप जैसे सेक्शन ब्रेक कर देंगे तो सेक्शन दो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज कर दिया हमने, कर्सर हमारा यहाँ पे था इसलिए उतना कंटेंट नीचे चला गया। देखिए सेक्शन वन और सेक्शन टू आ गया ना, ठीक है। सेक्शन का काम कहाँ पड़ता है ये भी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने सेक्शन ब्रेक कर दिया, तो पेज वन आपका सेक्शन वन में है, पेज टू सेक्शन टू में, ठीक है। हेडर दोनों का अलग दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या क्या है सेक्शन ब्रेक में। पेज ब्रेक हो गया, नेक्स्ट पेज मतलब नया पेज सेक्शन के साथ, कंटिन्यूअस मतलब यही जो आपका डेटा लिखा है ना, इसी को ये ब्रेक कर देगा सेम पेज में। देखिए कर दिया, ये कर्सर हमारा यहाँ था थीम पे, कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो इतना क्या किया इसने, सेक्शन ब्रेक कर दिया, कौन सा, कंटिन्यूअस वाला। अगला ब्रेक देखते हैं क्या है, इवन और ऑड, मतलब अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वन ऑफ वन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना,
यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टू ऑफ टू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही हम फिर क्लिक करेंगे तो क्या दिख रहा है, फोर ऑफ फोर, थ्री नंबर का पेज नहीं है, ठीक है। गिनती गिनने में ये एक दो तीन, आपको समझ में आ रहा है कि तीन पेज है, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है। पर जो आपने ब्रेक किया है ना सेक्शन, तो एमएस वर्ल्ड का मतलब है कि ये इवन पेज ही ले आएगा। पहला पेज तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो दूसरा हो गया, दूसरे के बाद चौथा हो गया। अब चौथे के पास जब आप ब्रेक करेंगे ना फिर से इवन वाला, तो क्या आ जाएगा, छठवां, फिर छह के बाद आठ, आठ के बाद दस, ऐसे ही ये इवन पे चलेगा, ठीक है। अब इसके नीचे एक और है, वो क्या है, ऑड। ऑड क्या करेगा, जैसे हम लोग पहले के पहले पे हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, तीसरे के तीसरे पे, फिर आप क्लिक करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, पांचवें के पांचवें पे, ठीक है। तो जैसे वो इवन पेज नंबर ला रहा था, ये क्या लाएगा, ऑड पेज, ठीक है। आइए आप लोगों को एक चीज देखिए, सेक्शन ब्रेक से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमने कर दिया सेक्शन ब्रेक, ठीक है। अब सेक्शन ब्रेक आपको कहाँ फायदा देता है, जैसे हम लोग डिजाइन में ये पेज बॉर्डर जब पढ़े थे, तो देखिए जैसे पेज बॉर्डर हम लोग लगाते हैं ना, जैसे कस्टम पे आ गए, हमने कस्टम पे ये लगाया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अप्लाई पूछ रहा है होल डॉक्यूमेंट, कि इस सेक्शन में अगर आपका सेक्शन ब्रेक नहीं रहेगा तो आप दिस सेक्शन करेंगे तो जितना भी पेज रहेगा, पेज ब्रेक, सिंपल पेज ब्रेक, सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। पर सेक्शन ब्रेक रहेगा तो सिर्फ सेक्शन पे, दिस सेक्शन करके ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ सेक्शन टू पे लगा, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ था उस समय, सेक्शन टू पे। सेक्शन वन पे या पेज वन पे कोई भी आपका पेज बॉर्डर नहीं लगा, ठीक है। अब मान लीजिए फिर हम चेंज करते हैं ये, अब ये किस पे करते हैं, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, तो उस सेक्शन के पहले पेज को छोड़कर सब पे लग जाएगा। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑनली, तो उस सेक्शन के पहले पेज पे ही लगेगा। दिस सेक्शन मतलब उस सेक्शन पे लग जाएगा, ओके। देखिए फिर कर्सर हमारा इसी पे था तो इसी पे लगा, और दूसरे वाले पे नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए सेक्शन ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।